थोड़ी बेरा नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहाणं नमो अध्यायाणं नमो सर्वसाधु एषु पंच नमकारो सर्व पाप प्रणाशनं मंगलाणं च सर्वेषिं परमं जय जगजीव जोनी वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामहो भय जय सुयाण भगवो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोक्तं सं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानते मिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः संसार के अंदर जीवों के भाव जो है चलते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। एक के बाद दूसरा भाव, दूसरे के बाद तीसरा भाव, तीसरे के बाद चौथा भाव, भाव बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, केवलियों की भाषा में क्या है, होते जा रहे हैं। अब बढ़ना घटना क्या है भाई? बढ़ेंगे किसको कहते हो, घटेंगे किसको कहते हो, बढ़ना घटना कुछ नहीं है, होते जा। अब जब जीव जाएगा, जिस जन्म में जाएगा, जहाँ जाएगा, जैसा शरीर धारण करेगा, उसको तो शरीर लिए बिना तो संसार में रह ही नहीं सकता है। शरीर बनाना उसके लिए अनिवार्य हो गया, और शरीर बना करके ही जीवन जी सकता है, बिना उसके तो वैसे भी नहीं रहे।
कोई भी जीव, अनंत जीवों की बात चल रही है, अनंत अनंत जीव जो भी संसार में है सब की बात। अपने अपने कर्मानुसार कोई एक इंद्रिय में, कोई दो इंद्रिय में, कोई पंचेंद्रिय में, जो जहां जाए सही, शरीर बनाना अनिवार्य। अब जब शरीर बनाएगा तो शरीर छोड़ना भी पड़ेगा, जैसा शरीर बनाएगा वैसा उसको शरीर छोड़ेगा तो दूसरी गति में, दूसरे भाव में जाएगा, दूसरा तो कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर दो प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, एक प्रक्रिया है जन्म की और दूसरा है मरण की। अब चाहे दुनिया के किसी भी भाव में चले जाइए, जन्म तो लेना ही पड़ेगा, जीवन तो जीना ही पड़ेगा और शरीर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अब ये जो प्रक्रिया चलने वाली है, जब तक जीव सर्व कर्मों का क्षय करके मोक्ष में न जाए वहां तक तो अनिवार्य। अब आप क्या करोगे, जन्म लेना ही। अब जन्म लिया तो फिर ये कुछ ना कुछ तो टाइम लेना पड़ेगा। 9.5 महीने जीवन नहीं है, 9.5 महीने खाली शरीर रचना है। शरीर रचना पूरी हो जाए बाद में आपका जीवन आपको जीना। अब ये शरीर रचना बनाने का काल जो है अब वो 9.5 महीने का। अब जैसे जीव यहाँ पर आएगा, अब ये जीवन जिएगा तो इसके अंदर ये उसका जीवन चला है। अब जीवन मतलब क्या है, जीव शब्द ही है इसके अंदर भी। तो आप ये देखिए, जीव शब्द जो दिया है, अब वो नाव की तरह से चलता ही जाए, आप शरीर बचा करके उसी शरीर में जीते रहो, उसी शरीर में चलते रहो, ये आपका जीवन। अब क्या है, सारा कार्य किसको करना है, वो सिर्फ जीव को करना है। मुख्य करने वाला कर्ता जो है वो जीव ही आएगा, जीव ही जाएगा, जीव ही आकर के जन्म लेगा, शरीर बनाएगा, जीवन जिएगा तो शरीर भी वही छोड़ेगा, जाएगा भी वही। शरीर जड़ पुद्गल का पिंड है, शरीर करता नहीं है, जीव ही करता है। अब इस स्थिति के अंदर जो जिस तरह से चल रहा है, तो यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं आप, अब इसके साथ में जीव को अपनी तरह से जब ये आया है, अब यहाँ पर वो अपना आयुष्य पिछले बड़े हालात में लेकर आया है, ये आयुष्य समाप्त हो गया, अब इस जीव को शरीर छोड़ करके दूसरे भाव में जाना है, फिर वापिस वही अपना जीवन चलाएगा, फिर एक दिन शरीर छोड़ेगा, अब वही जीव बाहर निकलेगा और वही वापस जा करके दूसरे जन्म में प्रवेश करेगा। इधर देखिए, ये जो आपको सवाल क्या लग रहा है, बीच का गैप, किसी भी जीव का ये जो बीच का गैप है 2-4 समय से ज्यादा होता ही नहीं। और ये क्या देख रहे हैं आप, ये जीवन लाइफ स्पान आयुष्य वो बड़ा छोटा हो, उसमें कोई दो राय नहीं, आयुष्य बड़ा छोटा होता रहेगा। अब जिसका जितना बड़ा है, जिसका जितना छोटा है, गति में, क्षेत्र में, आराव में, अब किस काल में आप कहाँ जा कर के कितना छोटा बड़ा आयुष्य कैसा लेते हो उस पर आता है, लेकिन ये नहीं बढ़ेगा। ये कौन सा है, यहाँ आपका मरण हो गया, अब दूसरे जन्म में जाना, क्यों जाना है, तुरंत शरीर बनाना है। क्यों शरीर बनाना है, बिना शरीर के रह नहीं सकते, शरीर तो बनाना ही पड़ेगा। अब यहां से चलने में आप देख रहे हो बदल क्या रहा है, ये आयुष्य इसका यहाँ पूरा हो गया, आप इसको समाप्ति काल कह दीजिए, अब बीच में से वापिस यहाँ पर प्रवेश करना है, फिर चल कर यहाँ समाप्ति, फिर यहाँ जो है प्रारंभ होगा, फिर वापिस यहाँ समाप्ति होगी, अब ये क्रम चलता ही रहेगा।
मतलब क्या हुआ? सिर्फ आपका आयुष्य बदल रहा है, लेकिन साफ कर्म ये जो चल रहे हैं वो कुछ भी नहीं बदल रहे हैं। वही साथ आपके दूसरे भाव में, वही साथ तीसरे भाव में, वही साथ चौथे पांचवें भाव में, वही साथ कर्म यहाँ पर। ये साथ कर्म आपके अब कैरी फॉरवर्ड हो करके एक से आगे आगे के जन्मों में साथ में चलते रहे। अब कर्म है कितने? कुल 8 कर्म। 8 कर्मों में से 7 कर्म कंटिन्यू साथ में चल रहे हैं। कौन बचा? सिर्फ अकेला आयुष्य। एक भव का आयुष्य दूसरे भव में नहीं आए। जिस भव का जो आयुष्य है वो उसी भव में आपको पूरा करना है। इस भव का आयुष्य इसी भव में समाप्त कर दिया, अगले जन्म का नया आयुष्य बांधकर लेकर नए जन्म में प्रवेश कर। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। 7 कर्म में आयुष्य के सिवाय के 7 कर्म में एक भी कर्म पूरा नहीं होता है। 7-7 कर्म चल रहे हैं। थोड़े बहुत किसी का 10% अंश घटा तो 30% बढ़ा, किसी कर्म का 20% घटा तो 40% बढ़ा, किसी कर्म का 2% अंश घटा तो सामने 50% बढ़ गया। कर्म तो वही है, कर्म साथ वही। आयुष्य के लिए क्या नियम है? 100% वही कर्म पूरा हो जाएगा, आयुष्य पूरा 100%। आयुष्य पूरा समाप्त तो होगा तब जाकर के वो नया बन के लेके जाएगा। उसी भव में, उसी भव का आयुष्य पूरा होगा, उसी भव में मरने के पहले अगले भव का नया आयुष्य बांधेंगे तो ही जा सकेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो अनिवार्य हो गया है, मरने के पहले आपको आयुष्य बांधना ही बांधना है। शांति से बांधो, समता से बांधो, स्थिरता से बांधो, और बिना कसाय के बांधो, या फिर क्लेश कसाय करते हुए बांधो, लड़ते झगड़ते हुए बांधो, या फिर और किसी तीव्रता के अंदर आयुष्य बांधे बिना तो नहीं मरे। अब तीव्र वेदना, पीड़ा, तकलीफ, बीमारी, रोग, शोक, चिंता आदि के अंदर बांधोगे तो कैसा बांधेंगे? दर्शन, पूजा, भक्ति, जाप, आराधना, सामायिक, प्रतिक्रमण करते करते तब जप में बांधोगे तो कैसा बांधोगे? अब ये क्या है? ये सब आपकी क्रिया है। ये आपकी क्रिया का जो व्यवहार है वो चलता है। अब वो कौन सी क्रिया, कैसी क्रिया, किस क्वालिटी की, वो आपको देखना है। आप अपनी अपनी क्रिया समझ। इसलिए आपको ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा होवे वहां तक आरंभ समारंभ हिंसा प्रवृत्ति, पाप प्रवृत्ति की क्रिया को छोड़ करके ऐसी कोई शुभ क्रिया में रहिए ताकि कम से कम आयुष्य शुभ बने। अब क्रिया प्रवृत्ति करना ये आयुष्य का काम नहीं है, ये मोहनीय का काम है, ये आपके ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का काम, ये आपकी बुद्धि के चलने ऊपर आधार है, ये आपके स्वभाव के ऊपर आधार है, बाकी उस पर कोई आधार नहीं। आपका अपना कर्म आप देख लो। मैं उस प्रकार की सब क्रिया प्रवृत्ति करते समय अब आपका कब कैसा आयुष्य बनेगा। इसलिए हो वहां तक आप 90% शुभ क्रिया में, शुभ प्रवृत्ति में, अच्छी प्रवृत्ति में बने रहो, ये आपके लिए। लेकिन कई जीव अपनी तरह से ऐसी प्रवृत्तियों में जुड़ चुके हैं, वो उनकी मति ज्ञान की मेमोरी में सेट हो गई है साहब। अब वो क्या करेंगे, वो कैसा जीवन जिएंगे? आपने क्या बताया कल सुबह 6 बजे दुकान खोलते ही आपके घर की लाइन, तो आपको इतने ग्राहकों के लिए आप लोगों को भी तो सुबह 6 बजे आके उठ करके दुकान पर हाजिर होना पड़ेगा। आपकी धर्म क्रिया अनुष्ठान आराधना पूजा पाठ दर्शन सब हाथ से गया। अब दोनों कैसे मेल करने जाओ?
मनुष्य अपनी श्रद्धा में इतना कमजोर है कि जब भी कोई मौका लोभ का मोह का आए तो धर्म पहले छोड़ देता है। धर्म के अंदर इतनी निष्ठा लोगों की नहीं है, बहुत कम है, जल्दी छोड़ देते हैं। आज तो जमई साहब आए हैं बात, आज भगवान में नहीं आओ, आज जमई ने हाथी फरवा ले गए। एक छोटा सा निमित्त, जमई को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है, जमाई को छोड़ने के लिए जाना, धर्म पहले, व्याख्यान छोड़ दिया, पूजा छोड़ दी, प्रतिक्रमण छोड़ दिया। कोई ससुर अपनी तरफ से जमाई को कहने के लिए तैयार नहीं, आलोक पदार अनुसार आज व्याख्यान इस पहुंचा, आज पूजा ही कर लो, आज ऐसा कोई राजी नहीं। जमाई मतलब क्या, जिमा रहने मिलना अन्नो नाम जमाई, बस खिला पिला कर राजी कर दो, बस इसका नाम जमाई। अब वो 50 बार आए तो भी खिलाओ पिलाओ, 100 बार आए तो भी खिलाओ पिलाओ, बस राजी रखो भाई, बीजी कोई बात। अब ये समस्या आपकी बहुत बड़ी है, आप किसी के लिए भी धर्म का संबंध जोड़ना नहीं चाहते हैं, आप संसार के व्यवहारिक संबंधों में राजी रहना चाहते। मारा तरफ से कोई धर्म पामे, मारा थकी कोई धर्म सीखे समझे जाने पामे आ रस्ते चाले, ये आप इसकी आपकी श्रद्धा नहीं, आपकी निष्ठा कमजोर पड़ रही है। क्यों कमजोर पड़ रही है आपकी निष्ठा, क्यों कमजोर? अगर आप सच्चे अर्थ में समझे हो सीखे हो तो श्रीमती की तरफ से मैना की तरफ से अपने पति को धर्म में जोड़ने के लिए रात दिन आप लालाई, 100 साल की जिंदगी हो या जितने वर्षों की, पूरी जिंदगी श्रीमती ने श्रीकांत को शिकार की पाप प्रवृत्ति से छुड़ा करके धर्म में जोड़ने के लिए 100 बरस मेहनत की, हार नहीं मानी, बिल्कुल हार नहीं मानी, संसार चलाया, अपने संसार परिवार को संभाला, लेकिन हार नहीं मानते हुए जिंदगी भर जो है एक लक्ष्य रखा। क्या स्वार्थ था अपना, क्या स्वार्थ था, मारे शू करवू छे, ऊपर राज रानी छू ने, आपने सुखे थी शांति थी राखे छे, खाई पीने लहर करो ने, एने जे करवो है करे, जेम जीव है जीवे एनु ए जाने, ये आज की मानसिकता, आज ये मानसिकता, मने शू छे, मने कोई तकलीफ आपे छे, मने कई बोले छे, मने कई कहे छे, भले गद्धा मजूरी करे जे करे साहेब आपने आपने लावे छे, हूँ दर महीने 10 साड़ियों लाव छु, हूँ दर महीने 2 दागीना लाव छु, हूँ दर महीने फरवा जाऊँ छु, हूँ खाई पीने लहर करू, एने जे करू ये जाने मारे हूँ ले। अब ये कितनी स्वार्थी मनोवृत्ति है, ये कितनी स्वार्थी वृत्ति है। जब आप दो जने संसार के व्यवहार में संबंधों से जुड़े हैं तो जीवन साथी बन गए, एक दूसरे की आत्मा का भी हित तो देखो, मात्र शरीर का प्रेम ये तो स्वार्थी प्रेम है, ये तो काम वासना का प्रेम है। शरीर प्रेम से जिंदगी भव नहीं बढ़ेंगे। नेम राजुल ने 9 जन्मों तक अखंड राग का एक सरीखा संबंध बनाकर पूरे विश्व में कीर्तिमान बनाया, काका 9 वर्ष तुम्हें झगड़िया वगैरह न रहो, एनी जगह ये 9 भव सुधी न झगड़े, अने केवो जीवन जीव्या हशे ने केवा भवो संबंध टकाव्या हशे, 9मा भवे बन्ने आत्माओ केवल ज्ञान पामीने मोक्षे। बस फरक केटलो रह्यो, एक तीर्थंकर बनीने जाय छे, बीजी साध्वी बनीने जाय छे। दोनों आत्माओं का कल्याण हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? आदेश्वर भगवान का जीव 9वें भव में 6 मित्रों के संबंध में आ गया। मित्रता का संबंध कोई खून का रिश्ता तो नहीं है, खाली 6 जने मित्र बने, और वो मित्र बन करके जिस तरह से आगे बढ़े, 10वां भव, 11वां भव, 12वां भव, 13वां, 5 जन्म तक इनकी मित्रता चली,
और ये मित्रता आकर के संबंधों में बदल गई। एक जीव आदेश्वर भगवान बना, दूसरा भरत चक्रवर्ती, तीसरा बाहुबली, चौथा ब्राह्मी, पांचवा सुंदरी, एक छठा बाकी रह गया था वो श्रेयांश को। छह मित्र, छह संबंधी, छह जीव उसी भव में मोक्ष। भगवान के रिश्ते में आया हुआ जीव भी आज नहीं तो कल मोक्ष में जाए। भगवान के रिश्ते में आया, पारिवारिक रिश्ता हो, किसी भी प्रकार का दूर का नजदीक का रिश्ता भी हो, तो उसका कल्याण निश्चित होता है। अब ये इतना बड़ा विशेष संबंध, आदेश्वर भगवान परस्पर जी, जरा सोचना, आप सब लोग विचार करना, एक बाप 100 बेटे, अब पोते कितने हुए, पोते कितने हुए, पर पोते कितने हुए, अब उतना बड़ा लंबा चौड़ा परिवार, और इसका परिवार वंश वेला कितने जन्मों तक चला होगा, कितनी पीढ़ियों तक चला होगा। ऐसा एक परिवार जिसके सभी मोक्ष में जाते, सब मोक्ष, और इतना बड़ा परिवार, 100 बेटों का परिवार, ध्यान से समझिए, लड़े भी सही, झगड़े भी सही, लड़ाइयां भी चली, युद्ध भी हुए, भरत बाहुबली लड़े वो तो आप सब जानते ही हो, लेकिन कल का इतिहास जो द्राविड़ वारी खेल का इतिहास है, ये भी आदेश्वर भगवान के 2 बेटे द्रविड़ जी है और वारी खेल जी, द्रविड़ का बेटा द्राविड़ आया, हुआ क्या, राज्य का बंटवारा, वारी खेल जी को 1 लाख गांव मिल गए, उसकी यश कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली, द्रविड़ जी की यश कीर्ति नहीं बढ़ी। बेटा होना, संबंध होना अलग है, लेकिन पर्सनल नेचर जेलसी होना, ईर्ष्या द्वेष में द्रविड़ ने वारी खिल्ले जी के साथ बहुत बड़ी लड़ाई, और दोनों कितने सक्षम और समर्थ है, द्रविड़ जी की 10 करोड़ का परिवार से सेना है, वारी खिल्ले जी के पास भी 10 करोड़ की सेना, इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ा, अब वो कितने वर्षों तक चला, कितने वर्षों तक युद्ध चला, और 5 करोड़ की सेना द्रविड़ की गई और वारी खिल्ले जी के भी 5 करोड़ सैनिक मर गए, कितने गए, दोनों के 5-5 करोड़ गए, और थी कितनी, दोनों के 10-10 करोड़ थे, अब 20 करोड़ में से 10 करोड़ मर गए, और ये तो दोनों अपनी जगह पर है ही। बारिश के टाइम पर जब युद्ध बंद रहा तो द्रविड़ जी ने अपने मन में विचार किया, मारा स्वभाव ना कारणे जाते, खाली मारा व्यक्तिगत स्वभाव ना कारणे, हमें बे सगा बाप ना एक बे दीकरा भाईओ छे, अने शु आ रीते लड़ी ने, वो तो तुरंत बैग तैयार हो गए और सीधे जाकर वारी खिल्ले जी के साथ मिच्छा में दुकड़म करने पहुंचे। मारे आवु राज्य जोईतु नथी, बे हूं तो संसार छोड़ी दीक्षा, उस समय कोई उपलब्ध नहीं थे, और ऐसे समय जंगलों में रहने वाले सन्यासी तापस एक बार उनके पास से दीक्षा ले, वो चोटी रखते हैं, यहाँ तिलक लगाएंगे, भगवा वेश पहन करके सन्यासी तापस बने, कई नहीं जे मले थे खरास। इधर मारे खिल्ल जी ने भाई ने भी विचार कर लिया, जे युद्धना माटे लड़ी लड़ी ने आटला वर्षों थी लड़ता था, मैं 5-5 करोड़ नी सेना गई, अभी मारे कोना माटे लड़ू, वो भी दीक्षा लेने को तैयार। इन्होंने 5 करोड़ के साथ दीक्षा ली द्राविड़ ने, इधर वारी खिल्ले जी ने 5 करोड़ के साथ दीक्षा ली, सब सेना में सैनिक लोग जो है एमनम युद्धना मैदान में लोही तरसी ने मरवू छे, एमने मरवू,
અને પછી રસ્તા ઉપર ડેડ બોડી પડી હોય, કોઈનું ધડ ને કોઈનું માથું કોઈનું શરીર અને હાથીઓ ને ઘોડા ને એના ઉપર ખૂનતા ચૂનતા ચાલ્યા જાય ને લોહીના મેદાન બને છે, એ ક્યાં છે? મારે પણ હવે પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરવું. 10 કરોડ થી સેના ભાગશાળી દીક્ષા લે લઈએ બન સકતા હે? આપ કભી સોચો તો સહી, એક સૈનિક કો જાકે ઉપદેશ દે કે દેખો. કિતને વર્ષો તક યે સંન્યાસી તાપસ રહે ઓર યોગાનો યોગ જબ એસે સાધુ મહારાજ મિલે ઉનસે સત્ય નિષ્ઠા કા તત્વ ધર્મ સમજા મહાવ્રતો કા સ્વરૂપ સમજા યે 10 કરોડ કે સાથ દ્રાવિડ વારી કિલ્લજીને અબ તાપસી સંન્યાસ કી દીક્ષા છોડકર જૈન દીક્ષા કર. હવે સમજાઈ ગયું કે કર્મ ક્ષયનો માર્ગ તો આ જ છે. દેખો કિતની જલ્દી સરળતા કિતની હૈ. ઓર દીક્ષા લેકર કે અબ સબને નક્કી કર દિયા કે હે ભગવાન, આ બધો પાપ ઘણો કર્યો છે ને યુદ્ધના મેદાનમાં ખેલ્યા છીએ, તોપ ગોલા છોડીને લાખોને માર્યા છે, 5 કરોડ ઇસકે, 5 કરોડ ઇસકે, 10 કરોડ મનુષ્યો કી હિંસા કા પાપ કિસકે સિર, અમારે નરકમાં નથી જવું, અમારે નરકમાં નથી. સભી પાલીતણા, પાલીતણાની ભૂમિ માટેનું જે મહત્વ સમજાય, શું મહત્વ છે? દાડમની ભેલનું છે. અહીંયા આ ભૂમિ આવે એ સિદ્ધ થાય, સીધા ચલ. બસ આ બીજી વાત, મતલબ શું થયો? અહીંયા આ ભૂમિમાં આવવા પહેલા લોકો ઊંધા ચાલે છે, વક્ર ગતિએ. એટલે ગામ વાંકાનેર આવે, ખબર છે? વાંકાનેર થઈને જવાય. એટલે હવે વાંકા તો ખૂબ ચાલ્યા, હવે સીધા ચાલે. હવે બીજી વાત નહીં કરે. પાલીતણા કે તીર્થ ભૂમિ પર બક્ષલી ઓર ક્યા મન મેં આઈ, ક્યા તીવ્રતા આઈ, અનશન કર. આ એવી એક પવિત્ર ભૂમિ, કોની ભૂમિ? સિદ્ધોની ભૂમિ, જ્યાંથી સિદ્ધ થવાય, જ્યાંથી મોક્ષે જવાય, વેલા તકે જ્યાંથી મોક્ષે જવાય. શાસ્ત્રકાર ક્યાં લિખતે હૈ, એણ ગિરીએ મોર કે પક્ષી થઈને પણ જે જીવો રે, એ પણ કદાચ 21માં ભવે, નહીં તો 3જા ભવે પણ મોક્ષે. 10 કરોડ કી સંખ્યા મેં સબ અપની તરફ સે અનશન કરકે, અપાણમ ભોસિરામી કરકે, કૌશક ધ્યાન મેં જો સ્થિર રહે. નહીં, હવે મારા પાપ કર્મ નહીં ધોવાય ત્યાં સુધી હું આ કૌશકમાં રહીશ, બધા પાપ કર્મો નહીં ખપે ત્યાં સુધી હું એમાં જ રહી, હવે બીજી વાત નહીં. સંકલ્પ અનશન ચલ રહા હૈ. અબ આપ સોચીએ કેસે 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 પાપ કર્મ ક્ષય હોતા હોગા. જો હોના હૈ વો તો અંદર હી હોના હૈ, કોઈ પડોસ મેં બાજુ બેઠને વાલે કો ભી પતા નહીં ચલને. પહેલે કૌન સા કર્મ જાયેગા? મોહનીય કર્મ, તબ વિતરાગી બન જાઓ. દૂસરા તીસરા જ્ઞાનાવરણી દર્શનાવરણી અંતરા જાયેગા, તબ આપ કેવલ જ્ઞાની કેવલ દર્શન. કિસી કો 10વે દિન મેં, કિસી કો 15વે દિન મેં, કિસી કો 20વે દિન મેં બક્ષા લે, કેવલ જ્ઞાન હોતા ગયા. લેકિન અપાણ ભોસરામી કાઉ સગ્ર નિશ્ચિત હૈ, અનશન કે પછકાણ નિશ્ચિત હૈ, અબ દૂસરા કોઈ વિચાર કરના. જબ અનશન કે પછકાન કર લીએ તો ફિર કહાં આર પાની કરના, કેવલ જ્ઞાન થાય મોટી વાત. લેકિન કાર્તિકે પૂર્ણિમા કે દિન ઇન 10 કરોડ કા એક હી દિન મેં આયુષ્ય સમાપ્ત હોના, યે કૈસે બોલ. એટલા માટે કોઈના ગળે વાત નથી ઉતરતી, આંકડાની વાત. એક દિન મેં સુબહ સે લેકર કે 24 ઘંટે કે અંદર 10 કરોડ કી આત્મા હૈ, નેચરલ આયુષ્ય પૂરા હોના. દેર ઇઝ નો એની નેચરલ કેલામિટી, કોઈ પ્રાકૃતિક પ્રકોપ નહીં, કોઈ ભૂકંપ નહીં, કોઈ એસી ઘટના નહીં. સ્વાભાવિક આયુષ્ય કા સમાપ્ત હોના ઓર નિર્વાણ ચલે જાના, મોક્ષ મેં ચલે. આપ શાશ્વત નિયમ ક્યા ધ્યાન રખેંગે? 8 કર્મોં કે ક્ષય મેં લાસ્ટ 8વાં આયુષ્ય કર્મ કા ક્ષય નેચરલ હો
और उसके पहले सात कर्मों का क्षय हो जाए वैसा ही मोक्ष में जाएगा जिसका भी आयुष्य टूटे फ्रॉम एनी अदर नेचुरल कैलामिटीज वॉट एवर इट मे बी आइदर अर्थ भूकंप ज्वालामुखी फटे और कुछ भी ऐसे आयुष्य टूटने वाले मोक्ष में नहीं जाते हैं। उनको तो एक भव से दूसरे भव में ही जाना है उनका तो भव ही पड़ने वाला है संपूर्ण आयुष्य नेचुरल पूरा होना ये विशेष स्वाभाविक और उसके पहले सात कर्मों का क्षय। अब एक दिन ये आया कार्तिकी पूर्णिमा का कि एक ही दिन में इतने सबका आयुष्य पूरा हो जाए और मोक्ष में चले जाए ये घटना कैसे घटती है। अब ये आदेश्वर भगवान के ही पोते हैं ये आदेश्वर भगवान का परिवार चला है आदेश्वर भगवान के वंश वेला के अंदर जो परंपरा चली है अधिकांश मोक्ष में दूसरे 23 तीर्थंकर भगवंतों की वंश परंपरा में जितने मोक्ष में नहीं गए जितने लंबे काल तक उनकी वंश परंपरा नहीं चले उससे हजार गुने ज्यादा आदिनाथ भगवान के परिवार में मोक्ष में जाते ही रहे जाते ही रहे। बसा अतरा मोटा आचार्य महाराज ने लाओ तो के जो के बाप से आदेश्वर भगवान रो चरित्र कोई तो प्रयत्न कर मेरे को नहीं बोला नहीं तो मैं तो वासुपूज्य स्वामी के सब भव समझा। अब यहाँ क्या है जैसे गुजराती में बोड़ी बावड़ी नो खेतर जे महाराज ने आवे जे बोलू है बोल बोल करे करे आप ने बेस हां बोल एक काका थोड़ी वर 10 मिनट बेस रवान क्या समझना है कोई भूख तो है ही नहीं कोई समझ तो है ही नहीं कि ये हमको समझना ये हमको सीखना है ये आप बताइए ये हमको समझना कोई नहीं कह महाराज ने आवे बेस जे हमला हमला एक कलाक हमारे आवे बेस 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 जब आपकी रस रुचि जिज्ञासा नहीं होगी तो क्या होगा। ऐसी स्थिति के अंदर अब ये बात किसकी चल रही है सात कर्म प्रत्येक जन्म में वही आपके साथ साथ में चलते रहेंगे। अब प्रश्न पूछो सिमंदर स्वामी को हे भगवान कितने भवों तक चलेंगे। सिमंदर स्वामी कहते हैं कि जहाँ सुधी जीव मोक्षे नहीं जाए त्या सुधी भले गमे इतना अनंता भव थसे तो पण आ सात कर्मों तो साथे चाले। अब क्या होगा कम ज्यादा होते ही रहेंगे बिना सात कर्म के तो भव नहीं। अब बचा कौन सा एक ही आयुष्य कर्म है आयुष्य कर्म हर भव में बदलता जाएगा पुराना समाप्त होगा नया बांध के लेके जाओगे बाकी के सात कर्म आपके वही है वही चलते रहेंगे। प्रवृत्ति व्यवहार सब सात कर्मों के हिसाब से बाहर का प्रवृत्ति व्यवहार सब बाकी के सात कर्मों के हिसाब से आयुष्य का काम ये शरीर जो है नाम कर्म ने बनाया गर्भकाल के अंदर शरीर की रचना नाम कर्म ने की अब वो शरीर जो बन गया उसको मृत्यु तक इसी शरीर में आत्मा को टिकाना ये आयुष्य का काम। अब आपके भव बढ़ते जाए तो हर एक जन्म के अंदर यहाँ आपका मृत्यु यहाँ पर ये लास्ट पीरियड जो है यहाँ मरना है। अब यहाँ मरने के पहले यहाँ आयुष्य बांध लो ये आप आयुष्य बांधते जाओ यहाँ पर आयुष्य बांध करके अब उसको बांधा हुआ आयुष्य साथ में ले करके अगले जन्म में जाओ मरना यहाँ पर। इधर देखिए दो विभाग अलग अलग बताए ये आपको नया बांधना है और ये आपका पुराना समाप्त होना है। पुराना मतलब जो रनिंग यहाँ से चलता आ रहा है वो आपका समाप्त होना है और समाप्त होने के पहले अगले जन्म में जीने के लिए यहाँ से नया लेके जाएंगे तो ही जीवन जी सकते। तो आयुष्य नया बांधना है
लेकिन वो आएगा बंधेगा तो किस कारण से, किस निमित्तों से बंधेगा? मोहनीय कर्म के निमित्त से, हेतु वहां से आएंगे, ख्याल आएगा। तो वहां से ऐसे हेतु आ करके इकट्ठे होकर के वो आपके साथ चलेंगे, वो आपको आयुष्य बंधा। तो अब आपको ध्यान कहाँ देना है? आपको एक पेड़ दिखाई देता है बाहर, 40 फीट लंबा पेड़ है, यूं 40 फुट फैला हुआ पेड़ है, लेकिन पानी कहाँ डालोगे जा करके? उसके मूल में, जड़ में था। आयुष्य बंधेगा तो वो कहाँ से आएंगे? परमाणु हेतु मोहनीय कर्म। आपको ध्यान कहाँ रखना है? मोहनीय, ये प्रयत्न करना है। अब आयुष्य का आधार रहा हमारे मुंह, अब मोहनीय कर्म में है क्या? राग द्वेष क्लेश कसाय विषय वासना काम संज्ञा, जिन्हें गुजराती में हाहा ठट्ठा मस्करी, अब ये सब है क्या? और ये ऐसे निमित्त आपको आयुष्य बंधाने वाले, तो वे कौन से? नम ध्यान अपन छे अब ती प्रवृत्तियों जे राग द्वेष ने क्लेश कसाय नहीं करी रहे जे, एमा जो सुधारो करसो तो हमें आयुष्य बंधाती वक्ते पन ए लाभ। अभी एक एक वो गणित से बात चले, सामायिक मां आयुष्य बंधाए तो केटलो, नवकार गणता आयुष्य बंधाए तो केटलो, औषद करता आयुष्य बंधाए तो केटलो, अने एवी रीते कोई तप तपश्चर्या में उपवास सामेल में आयुष्य बंधाए, आ बधी तमारी शुभ क्रिया ना विभाग। હવે એક એકનો ઇતિહાસ સાથે મેથામેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન ગણિત કરીને લખવાનું, સામાયિકમાં આયુષ્ય બંધાય તો ભવિષ્યના કેટલા વર્ષોનું બંધાય, આપ સમજ રહે? એક માલા ગિનતે આપકો આયુષ્ય બંધાય તો આપકો કેટલા આયુ, એક નવકાર મેં અગર આયુષ્ય બંધે તો કેટલા, તો 108 નવકાર મેં આપકા બંધે તો કેટલા, એ ગણિત करो कि नहीं करता रोज सामायिक? क्यों बोला बात? एक सामायिक नहीं करो भागशाली नहीं चलता है, सामायिक श्रावक जीवन के अंदर अनिवार्य है, भगवान के दर्शन पूजा अनिवार्य है, सामायिक प्रतिक्रमण अनिवार्य आवश्यक क्रिया, तब तपस्या आवश्यक क्रिया है, पचखान को आवश्यक छह आवश्यक में गिना है, आपको जो पचखान करना है करो, आपका शरीर मानता है वो करो, आपके शरीर को क्या अनुकूल आता है थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ करके, जो भी पचखान आज कौन सा करना है, आज कौन सा, आज कितना, आज कितना। अब आपको इन सारी एक तरफ शुभ क्रिया, इधर एक तरफ सिर्फ और सिर्फ अशुभ क्रिया। अब कुछ लेबर ऐसा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा है, कुछ लेबर ऐसा है जो रास्ते बनाने के काम में लगा हुआ है, कुछ वर्ग सिर्फ मछली मारने के काम में लगा है, कुछ वर्ग पोल्ट्री फार्म में लगा हुआ है, कुछ वर्ग स्लॉटर हाउस में लगा हुआ है, कुछ वर्ग पूरी जिंदगी पाप प्रवृत्ति में लगा है, पूरी जिंदगी बाप दादा से चला आ रहा है, बाप दादा ने जो व्यवसाय किया उसी जिंदगी में उसी क्रिया में पूरा जीवन। अब क्या करेगा? नरक में जाना, नरक में से निकल करके तिरियंत में या मनुष्य में आना, फिर वही पाप करना, फिर नरक में जाना, फिर वही पाप करना, फिर नरक में जाना, फिर वही पाप करना, फिर नरक में जाना, अब क्या सुधी चाल्या कर, क्या सुधी चाल्या कर से? सिमंदर स्वामी को जा करके पूछो तो सिमंदर स्वामी कहे एवा तो असंख्य जीवो च असंख्य, इसी प्रवृत्ति में लगे हुए, इसी क्रिया में जुड़े हुए, इसी तरीके से जुड़े हुए। अब उनको कब भान आएगा, अब ये समझ उनको कब आएगी कि हमें खोटू पाप करी रहा छे ने आ पाप नरक में लई जनारू छे ने हूँ एमाती बाहर क्यारे निकल, कब आएगी समझ, कब आएगी विचार, कब आएगी? एक बरस के 365 दिन
एक बरस के हिसाब से 10 बरस चले तो 3600 दिन हो गए, 10 बरस चले, 100 बरस चले, 25-50 बरस चले, तो वो 50 बरस में एक मनुष्य कितनी मछलियाँ मारेगा, एक आदमी कितने अंडों का व्यवहार करेगा, एक आदमी कितनी हिंसा करेगा। अब उसी में जाकर कभी ना कभी आयुष्य का भी बंद हो जाएगा, गति का भी बंद हो जाएगा। प्रवृत्ति इतने लंबे काल तक चल रही है, अब मान लो नरक गति उपार्जन कर ली और वो जीव आयुष्य बांधे, तो नरक गति पहले बन गई और आयुष्य बांध करके अब नरक में जाएगा, तो बक्षली कितने सागरों में कब तक वहां पर नरक में जीवन जीता रहेगा, कितने सागरों पर। अब उसको तो बेचारे को कब अकल आएगी, कब समझ आएगी। जो संस्कार पड़े हैं, अब वो कर्म के संस्कार उसके भव चलाते, भव बढ़ाते, उसको कोई समझ नहीं। अब कभी किसी को तीर्थंकरों की देशना का योग मिल जाए, ज्ञानी गीतार्थ गुरुओं के वाचना का व्याख्यान का योग संयोग मिल जाए, कल्याण मित्र का किसी का साथ संयोग मिल जाए, अब कोई तो निमित्त गढ़ने चाहिए जिससे उसकी बुद्धि में ज्ञान सही आए। कोई ना कोई तो, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब ये होने में उसके कितने भव निकले, ये विपाक सूत्र में आपने क्या सुना, गौतम स्वामी पूछ रहे साहेब आज जीवनु हवे भविष्य सो, आ कया भविष्यना केवा भवमां केटला भवमां आ क्यारे जे छे एनो कोई मोक्षनु निमित्त बनशे, कोई योग संयोग बनेगा। साहेब हवे आ पहली नरकमां जशे, बहार आवशे, निकलशे, तीजे जन्मसुन आवीने बीजी नरकमां, फरी पाछो आवीने तीजे नरकमां, फरी पाछो आवीने चौथी नरकमां, फरी पाछो पांचमी ने फरी पाछो। साहेब सात तो नरक छे, सात नरकमां सात भवमां तो पूरु थई गयुं, पछी शुं। हे गौतम, सात नरक के भव हैं, लेकिन इसके संसार का अंत नहीं है। तो साहेब नरक करता वधारे दुखशेमा होय छे। अब भगवान कहे छे नरक करता हजार गणो दुख जन्म मरण मा होय छे, अने जन्म मरण पण केटला वधारे वधे। हवे आ जीव पंचेन्द्रिय माथी नीचे उतरीने चौरेन्द्रिय मा, चौरेन्द्रिय माथी तेन्द्रिय, તેન્દ્રિયમાંથી બેન્દ્રિયમાં, હવે તમે વિચાર કરો, બોલો નરકમાં જઈને 33 સાગરો બમનો એક ભવ કરે એટલામાં આના કીડી મકોડાના ભવો કેટલા થઈ જશે, અબજો ભવ થઈ જાય બક્ષાલી ત્યાં સુધી તો બોલો નરકમાં એક ભવ કરે તો જેટલા ભવ થાય એટલી વાર અબજો વાર એને જન્મવાનું મરવાનું તો ખરું કે નહીં, એના વગર તો નહીં થાય ને। अब जो वार जन्मे मरे एटले महावीर कहे छे नरक करता पण वधारे कार्मी वेदना जे छे ए जन्म मरण नी वेदना, एटली वार जन्मे ने मरे एमा एने पीड़ा छे, दुख छे ने तकलीफ। हवे एनु नरक पण नक्की थाय के ना थाय, एक वखत एक माछीमार जाल नाखे तो एमा हजारो मछली आवे। अब एक एक मछली सभी पंचेंद्रिय प्राणी है, अब ये सब पंचेंद्रिय जीव है तो इसके सामने इतने जीव आए, इतने जीव मरे सब पंचेंद्रिय जीव। अब इतनी बड़ी संख्या में पंचेंद्रिय जीव के हिंसा का भागीदार कौन मरे, कौन मरे। मान लो आप चलो एक दिन में एक माछीमार 100 मछली पकड़े साहब, तो एक महीने की कितनी हुई, अब आप 3000 मछलियां तो एक महीने में पकड़े तो 12 महीने के कितने हुई, 12 महीने के कितने हुई तो आप 10 साल के कितने हुई, अब 10 साल के कितने हुई तो वो अपनी जिंदगी के जितने बरस इस काम में देता है उसने इतने कितने पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा की। तो बक्षाली उसको इसके सामने एक सागरों पम का नरक का आयुष्य मिले तो कोई बड़ी बात नहीं, गणित ये बैठता, इतने भव तक उसको अब संसार में जन्म लेना है, मरना है, जीवन जीना है, अब उसकी मृत्यु इतनी बार हो गई, उसकी मृत्यु
सौ साल में एक माछी मारने कितनी मछलियां पकड़ी, गणित पर लगा लो। अब इतने भव इसके कब होंगे, इतनी बार जन्मेगा, इतनी बार मरेगा और इतने भव होंगे, तब जाकर शुभ कर्म पूरे हो जाए, वो भी पूरे हो जाएंगे। अने तमने आगल हवे आवता वर्षे मोटा आश्चर्य मारा जा रहा, तमे कहजो साहेब शुभ कर्म नो अशुभ में संक्रमण थाय के नहीं, अशुभ कर्म नो शुभ में संक्रमण थाय के नहीं, चोरी करवी अशुभ कर्म छे पण चोरी करता न पकड़ावू ए शुभ पुण्य। अरे बात समझ में आ, चोरी करना अशुभ कर्म है पण चोरी करता जरे मानस पकड़ा तो नथी ने, ना ना मारू कई पुण्य छे तो कर, कई पुण्य छे तो हवा पांच वगे अहीं चोरी थई जाने आटली मोटी परात लई जाने पकड़ाय दी, अने हामे मले कोई आवता जता देखे जुए वछता है कोई बोले लो जाय घर हमारे घर में जाए तो आपके घर में से जाए तो क्या, और वो भी कितना भाग्यशाली, वो अपने आप को बड़ा मारो घणो पुण्य न उदय छे के मने तो हामे केटला मल्या तो ये कोई कोई बोलिया नहीं कई हामे थी बोलिए। अब ये बात कैसी है, हवे ये पुण्य एने चोरी ना काम में वापर्यो तो एनु प्लस पॉइंट पुण्य नु चोरी ना पुण्य मले के ओला पाप में भेगू भले, वरसाद नु वादला नु पानी जे पड़े छे ने ऊपर थी नीचे एटलो चोख्खू होय छे, एटलो चोख्खू तमे डायरेक्ट मोढ़ू खोली ने पी शको, पण वे पड़शे क्या, अने अहींथी जशे गटर में जशे दरिया में वलशे, हवे ए पानी पीवा लायक रह्यो, शुद्ध भी अशुद्ध कैसे बन जाता है, अशुद्ध भी शुद्ध में कन्वर्ट कैसे हो जाता है। अब मैं समझाने बैठो एक साल लग जाएगा, तो इतने आप तो बड़े बहुत बड़े आचार्य महाराज आ रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा रिक्वेस्ट करना कि साहब कर्म शास्त्र तो पढ़ो, इतना तो करना है। अभी पहले 24 में 20 में, लेकिन वो गिने जाएंगे पहले, पर आपने 24 में केम कहिए, अपना महावीर स्वामी 24 में जेवा એટલે આના હિસાબે 24 ગણીએ, પણ ત્યાંના હિસાબે તો પહેલું જ ગણવું પડે ને, ઘડિયાળ જુઓ આ કાંઠો ઘડિયાળનો ફરતો ફરતો નીચે આવ્યો, ક્યાં આવ્યો, 6 ઉપર, હવે તો પછી એ ઉપર ચડ્યો તો ક્યાંથી ચડ્યો, ઉપર ચડવાનું ક્યાંથી શરૂઆત કરવી, 6 થી, બસ બિલકુલ બિલકુલ, પહેલે તીર્થંકર જો કે સિમિલર મહાવીર સ્વામી કી કોપી, अब दूसरे होंगे वो सिमिलर पार्श्वनाथ भगवान की कॉपी, क्षणिक महाराजा पहला कहला। अब ये कैलकुलेशन मैंने सब गणित बैठा करके पुस्तक लिखी है तीर्थंकर शाश्वत व्यवस्था, और उसके 1600 पेज लिखे, अभी एक वॉल्यूम ही बाहर आया है, एक ही वॉल्यूम प्रकट हुआ है, अभी बाकी के कितने वॉल्यूम आएंगे कहला है। अभी कितना डिटेल है, परमानेंट सिस्टम, तीर्थंकर भगवंतों के होने की परमानेंट, अब वो विषय उस प्रकार का चला है, क्या लें वो विषय उस प्रकार का। यहां हम बात करें आयुष्य की, अब कैसे आयुष्य आपका चलता है, कैसे पूरा होता है, कैसे नया बनता है, फिर नए अगले जन्म में कैसा वापिस हाथ में चलेगा, कब वापिस आप नया बांधेंगे, कब वापिस वो कैसे चलेगा, टूटेगा कि कम होगा, घटेगा कि क्या होगा, ये आपको बरोबर सब क्या लाए। आयुष्य कर्म की बात हम चल तो रहे, हमें दंत कतरा रिया बीत थी 4-5 क्या लाए। अब गुरुवार को व्याख्यान वहाँ पर है, आज शनिवार है, गुरुवार से व्याख्यान लिबर्टी गार्डन में है, मैं भी सुबह आया जल्दी आया और मैंने सोचा 8 बजे व्याख्यान, तो हमारा रेगुलर वाला काका प्रश्न करे वो शो करूँ समझाए, अब ऐसे में भक्शली 1 घंटा, अब आ रहे हो 10-20 जने पधारो बस, अब कोई सवाल ही नहीं है साहब, दूसरा कोई आ जाए एकाएक बढ़ जाए कोई ये शक्यता नहीं है, अब जितने भी 10-20 को रस है तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ जल्दी करने की, पूरा करने की।
बहुत बड़ा कीमती विषय है, बहुत काम का विषय है और प्रैक्टिकल लाइफ का विषय है। अब अभी अब ये विषय कर लेंगे, अभी इसी बात को घुटेंगे तब चलेगा। अब नियम क्या होगा, बांधे बिना तो नहीं मरेंगे, तो दो नई बात आ गई। वन थर्ड कितना गिनना है, कितना प्रमाण में गिनना है। अब कल जो नया बच्चा मर रहा है उसका कहाँ वन थर्ड हुआ है, अभी डिलीवरी हो रही है और बच्चा मर रहा है और माँ जिंदी रह रही है साथ, तो अब उसका क्या वन थर्ड कहाँ गिनने जाओगे, कैसे गिनेंगे। तो नियम लास्ट में क्या है कि मृत्यु के पहले तो उसको बांधना ही है। आपकी गाड़ी चलते कुत्ते पर आ गई साथ, अब क्या उसका वन थर्ड हो गया है, क्या पूरा हो गया है, क्या हुआ है। अब वो उस समय मर रहा है ना, तड़प तो रहा है, आपकी तो गाड़ी चल गई, अब तड़प रहा है, अब तड़पना कितनी देर चलेगा, एक मिनट, डेढ़ मिनट, दो मिनट, हार्ट अगर बस्ट हो गया तो खून की वॉमिट तो होगी, वो इतनी तड़पने की डेढ़ मिनट के बीच में बांधेगा। आपके एक्सीडेंट तो रोज देख रहे हो रास्ते पर, अब जैसे ही गाड़ी चल गई उसकी आधी मिनट भी वो तड़प तो रहा है, और तड़पते समय की वेदना कितनी है, पीड़ा कितनी है, और उतनी आधी मिनट में उसको नया बांध, और नया नहीं बांधेगा तो तड़पते तड़पते मर नहीं सकता है, जब तक नया नहीं बांधेगा वहां तक नहीं मरेगा। अब तड़पने की तीव्रता, वेदना कितनी है, पीड़ा कितनी है, उस समय के विचार कैसे, कोने खबर पड़वानी छे भाई, केवली सिवाय तो कौन जानी सको। हाँ, अब उस समय ज्यादा से ज्यादा तो वेदना के, लेकिन वेदना तो अनुभव में आ रही है, लेकिन अंदर क्लेश का संग है कि नहीं है। जैसे ही छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है तो पहले अगर खड़ा हो सकता है तो पहले मार दे, ये परिस्थिति है। थोड़ी सी गाड़ी का हल्का धक्का लगा के आदमी गिरा के रिक्शा वाले कल, वो पहले तो खड़ा होता है, जैसे खड़ा होके आके सीधा उसको, अब कसाय की धारा के बिना तो हो ही नहीं सकता, क्रोध की तीव्रता के बिना तो कोई किसी को मारने का विचार नहीं आता है। तो आया क्या कसाय, मोनिय की प्रवृत्ति आई। अब किसी को कसाय और किसी को नो कसाय, किसी के विषय वासना के, किसी के क्या निमित्त, किसी के क्या निमित्त, ये सब आएंगे। तब जाकर के गणित इकट्ठा होता है, तब नया कर्म मानने के निमित्त सब आएंगे। ये तो स्थूल गणना है कि वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड किसके लिए हो, जो सौ पूरा करने वाला उसके लिए बन। नहीं रहते हुए कि नहीं, जीवन आपका किस प्रकार का चल रहा है, क्लेश कसाय की प्रवृत्ति का चल रहा है, तो फिर तो होना ही, ये तो निमित्त आने वाले। चलो मैं कोशिश तो करता हूँ थोड़ी जल्दी करने की, पूरा करने की कोशिश करता हूँ। चलो बस सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं
प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनं बड़े बड़ा 15-20 मिनट बैठा।